पैरों में सूजन का उत्तम इलाज। दोस्तों अक्सर लोग इसको बीमारी मान बैठते हैं, मगर यह कोई बीमारी नहीं है। शरीर में कई तरह के समस्याओं की वजह से पैर में सूजन आ जाती है। आमतौर पर सूजन वजन ज्यादा होने, ज्यादा देर तक बैठने, प्रेगनेंसी, बढ़ती उम्र या फिर खान पान में बरती जाने वाली असावधानी के वजह से होता है। इसके अलावा डायबिटीज, किडनी की समस्या, लीवर में खराबी का भी यह संकेत है। इस सूजन वाली समस्या से आप कुछ घरेलू टिप्स अपनाकर निजात पा सकते हैं। तो चलिए पैरों के सूजन के उपाय देख लेते हैं। पैरों के सूजन दूर करने का सबसे कारगर इलाज है सिकाई करना। इस थेरेपी में ठंडा और गर्म पानी अलग अलग टब में रखें। पहले अपने सूजन वाले पैर को गर्म पानी के टब में 5 मिनट तक रखें। इसके तुरंत बाद पैरों को 1 मिनट तक ठंडे वाले पानी के टब में डाल दें। इस प्रक्रिया को 15 से 20 बार दोहराइए। इससे पैरों की सूजन दूर हो जाती है। इसके अलावा मसाज कीजिए। पैरों की मसाज करने से भी पैरों की सूजन दूर होती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, सूजन वाले हिस्से पर दबाव पड़ता है। तो आप मसाज करने के लिए सरसों का तेल या फिर जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल या फिर तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक तेल को ले लीजिए और हल्का सा गर्म कर लीजिए और इस तेल से सूजन वाली जगह पर हल्के हाथों से मालिश कीजिए। इसके अलावा इसका सबसे अच्छा उपाय है धनिया का बीज। धनिया के बीज से सूजन दूर होते हैं। धनिया के बीज में ऐसी शक्ति है जो वह सूजन को जल्द खत्म कर देता है। तो 2 कप पानी में 2 चम्मच धनिया के बीजों को डाल दीजिए और तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए और फिर इसे छानकर इसे चाय की तरह पी लें, सिप सिप करके पी लें। ऐसा आप सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले पिएं और दूसरा खुराक शाम को 4 से 5 बजे के आसपास लीजिए और ऐसा करने से सूजन बहुत ही तेजी से उतर जाता है। तो दोस्तों इस रेमेडी को जरूर आजमाइए और लगातार कम से कम 7 दिनों तक कीजिए और 7 दिनों तक करने के बावजूद भी अगर सूजन ना उतरे तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये किडनी लीवर के खराब होने की वजह से भी इस तरह के सूजन देखे जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो शेयर कीजिएगा और जाते थे वीडियो को जरूर लाइक करते जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।